बिहार के चार जिलों से ऐसी तस्वीर सामने आई है जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। और क्या बिहार में कानून का राज बहाल है? अरवल, मधेपुरा, छपरा, सुपौल में अपराधियों ने हड़कंप मचाया हुआ है और प्रशासन अपराधियों को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए आप। बिहार पुलिस लाख दावे कर ले, लेकिन आए दिन बिहार में कानून व्यवस्था की हवा निकलती दिख ही जाती है। रोजाना कुछ ऐसी तस्वीरें निकल कर आती हैं जिसे देखकर आप सोच में पड़ जाएं कि कानून का राज ऐसा है तो गुंडा राज कैसा होगा। ऐसा सोच कर आपकी रूह कांप जाएगी। जरा ये तस्वीर देखिए, दुकान में घुसकर बदमाश कैसे मारपीट करता है, कार पर कैसे लाठी डंडों से हमला करता है। दरअसल ये तस्वीर अरवल के किंजर बाजार की है। यहाँ बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया, कार को लाठी डंडों से तोड़ा, फिर दुकान में घुसकर मारपीट भी की। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। अब देखना होगा पुलिस कब तक कार्रवाई करती है। अब ये तस्वीर मधेपुरा के मुरलीगंज थाना इलाके की है। यहाँ बदमाशों ने जमीन विवाद में रिटायर्ड फौजी की पीट पीट कर हत्या कर दी। दरअसल रिटायर्ड फौजी अंबिकानंद बहन के घर बहनोई और उसके भाई के बीच चल रहे जमीन विवाद को सुलझाने के लिए गया था। इस दौरान शैलेंद्र यादव के पक्ष से लोगों ने मारपीट शुरू कर दी, जिसमें अकेले फंसे फौजी अंबिकानंद को चोट लग गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसका थाना भी हम गलिए, सबके टांग गोर पकड़ लिए, दो बेर आवेदन दिलिए, फिर गलिए, फिर हमरा फसरी लगा के मारे लगले, भैया कल के नहीं रहे, चल दोनों बेटा का पढ़ेबो तोरा राखबो। सब दिन हम पूर्णिया में रहिए, हमारे भैया कल के कमाए के खिएबो रहिए, आए हमरा भैया का बोला के हमरा भैया का मार दिल्क, कल जो पुलिस दरोगा रहती है भैया के है। इससे पूर्व में भी मेरे मौसी के साथ मारपीट किया था, जिसका हम FIR करवाए थे मुरलीगंज थाना में, जिसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। वह उसी झगड़ा को लेकर के इसको समझाने बुझाने के लिए बुलाया था बिशनपुर, ये अकेला था, वो 10 आदमी मिल के इसको रात में मारपीट करने की वजह से मौत हुआ इसका। उसमें लोग मारपीट कर लिए, जिसमें जो रिटायर्ड फौजी था वो थोड़ा ज़्यादा जख्मी हो गया, उन्हें इलाज के लिए सूचना पर लाया गया अस्पताल में, परंतु इलाज के दौरान ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इस घटना को लेकर के पुलिस मामला दर्ज कर रही है और साथ ही साथ 5 लोगों को इसमें हिरासत में भी पुलिस ने। छपरा के गांगवा गांव में भी जमीन विवाद में 3 लोगों की हत्या कर दी गई और हत्या का आरोप सगे भाई पर ही लगा है। इधर पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी की है। सुपौल के पिपराही गांव में अज्ञात अपराधियों ने एक शख्स को गोलियों से भून दिया। इस वारदात के बाद गांव में हड़कंप मचा हुआ है, पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। ये 2 बजे का रात का घटना है, जब हम सो रहे थे आवाज हमको सुनाई दिया, जब दौड़ करके आए तो बिजली वाला तार कटा हुआ था, जब माँ को आवाज दिए तो माँ पिताजी को आवाज दिए तो पिताजी को गोली लगा हुआ था, मगर आदमी जो है द्वार पे देके दौड़ करके निकल गया। लगभग 2 बजे रात में पिपराही वार्ड नंबर 3 का रहने वाला मोहन पंडित को गोली मार दिया गया है। प्रथम दृष्टया उनके छोटे पुत्र को लगता है कि उनके बड़े भाई के द्वारा ही जो है, मृतक के बड़े पुत्र के द्वारा ही गोली मार दिया गया है। पुलिस अनुसंधान कर रही है, जो भी इसमें दोषी होगा उसको सख्त जल्द से जल्द पकड़ करके जेल भेजा जाएगा। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। प्रशासन लाख मुस्तैदी का दावा कर ले, लेकिन अपराधियों पर लगाम लगाने में पुलिस फेल हो रही है। पुलिस को अपने इंटेलिजेंस और टीम को ग्राउंड पर उतार कर कानून व्यवस्था को और दुरुस्त करने की जरूरत है। अरवल से सुनील, मधेपुरा से रुपेश, छपरा से विपिन, सुपौल से विष्णु गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट बिहार, झारखंड।